झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पहली बार 1932 खतियान और 60-40 नए चलतों पर खुलकर बोलते हुए दिखे। उन्होंने न सिर्फ 1932 खतियान का समर्थन किया बल्कि 60-40 नए चलतों का नारा देने वालों को लताड़ा भी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के हित तो विधि सम्मत स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए, भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन आपको साथ देगी, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि वह 60-40 नए चलतों का नारा देने वाले लोगों से पूछना चाहेंगे कि आखिर वे किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और कौन उन्हें 60-40 की गलत परिभाषा बता रहा है। रविंद्रनाथ महतो रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। 1932 का खतियान है, हम लोग पहले ही नारा लगा चुका है कि झारखंड का हो पहचान। 1932 के खतियान में जिनका हो नाम, हम लोग तो नारा लगा चुके हैं। जैसे विधानसभा में आदरणीय हेमंत सोरेन जी आए, 1932 का खतियान विशेष सत्र बुला करके राजभवन भेजने का काम किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों की पहचान सरना धर्म कोड को विधानसभा में पारित कर राजभवन को भेजा, लेकिन राजभवन ने बिल लौटा दिया। 1932 खतियान को विधानसभा से पारित कर राजभवन को भेजा, उसे भी लौटा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि राज्यपाल अभी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ युवाओं का समूह है जो लगातार 60-40 नए चलतों का नारा देते हैं, नियोजन का विरोध कर रहे हैं। रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि 60 और 40 का मतलब हुआ कि 60% में आरक्षण पाने वाले जिसमें SC ST OBC EWS शामिल हैं, इसके अलावा जो 40% है उसमें सभी हैं। उन्होंने पूछा कि क्या 40% में झारखंड के 15-20% छात्र शामिल नहीं हो पाएंगे, तो फिर 60 और 40 की जगह 80 और 20 का नारा क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं कहा जा रहा कि 80 और 20 नहीं चलतो। 60% का जो होता है 60% और 40% ओपन फॉर ऑल सबके लिए, तो सबके लिए मतलब क्या है? उसमें 10% 15% भी झारखंड का लड़का नहीं आएगा, तो अगर 15% आ गया बहुत गनीमत, अगर तकदीर खराब होगा 20% अगर आ गया तो 60 और 20 80% हुआ। तो तुम बोलो जो 80-20 नहीं चलते, 80-20 नहीं चलेगा, ये बात बोलो। ऐसा भी हो सकता है कि झारखंड सरकार का नजर इतना सूक्ष्म नजर है कि 20 में भी उनको आने नहीं देगा। अब बता दीजिए उसमें अगर लिखा रहेगा संस्थानी भाषा से जानकार होना चाहिए तो कितना बाहर का आदमी हम लोग यहाँ प्रवेश करेगा, या झारखंड मूल के इतिहास के बारे में अगर उसको प्रश्न करना शुरू करेगा तो कृष्ण कितना प्रश्न का उत्तर देगा, वो नहीं सकेगा। इसलिए अनर्गल लोगों को भ्रमित करने का ये बात करता है। अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।